हेलो फ्रेंड्स, मेक जी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम वैदिक मैथ की नेक्स्ट ट्रिक करेंगे। पिछली ट्रिक में हमने सीखा था कि किस तरह से हम किसी भी नंबर का क्यूब रूट बहुत ही जल्दी निकाल सकते हैं। आज नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से किसी भी नंबर का हम मल्टीप्लीकेशन बहुत तेजी से कर सकते हैं। इसे बोलते हैं बेस मैथड ट्रिक। हम ये देखते हैं कि वो नंबर किस नंबर के पास है और उसके बाद उस नंबर को उस बेस के साथ में सॉल्व करते हैं। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है, इससे आपकी स्पीड मल्टीप्लिकेशन की बहुत ही तेज हो जाएगी। तो इसको हम अच्छे से समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। चलिए, तो इस ट्रिक को वैदिक मैथ में बोलते हैं निकलम नवत्कारम दशत। ये ट्रिक है और हम इसे डायरेक्टली बेस मेथड के नाम से जानेंगे। बेस मेथड मल्टीप्लिकेशन, बेस मेथड मल्टीप्लिकेशन। बेस मेथड मल्टीप्लिकेशन तो इसमें हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो पहला स्टेप हम करते हैं, इफ नंबर greater than base number, number more than base number। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक नंबर ले लेते हैं 11 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ में। ये है तो सबसे पहले ये देखना है इसमें कि ये बेस किसके पास है। ये जो नंबर है आपका ये 10 के पास है। ये आपका जो बेस है इसका 10 हो जाएगा। ऐसा नंबर देखते हैं बेस में जो उसके पीछे 0 आ जाए तो मल्टीप्लिकेशन करने में आसानी रहती है। तो इसका बेस क्या है, ये 10 के पास है। अब ये देखते हैं कि ये 11 जो है 10 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। ये 12 कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। पहले इतना कर लेंगे, उसके बाद फर्स्ट स्टेप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 एकम 2। और या तो आप इसको इसे इसमें ऐड कर दो क्रॉस में 12 और 1 13, और या फिर इसको इसमें ऐड कर दो 11 और 2 13। आंसर सेम ही आना है, किसी को किसी में भी ऐड कर सकते हो। ये आपका मल्टीप्लाई हो गया। तो दोस्तों ये बेस मेथड का कंसेप्ट है, इससे आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। जैसे एक नंबर वाले लेते हैं 12 into 13, यहाँ पे 2 ज्यादा है बेस से, यहाँ पे 3 ज्यादा है। बेस हमने फिर से 10 ही ले रखा है, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6, इसे क्रॉस में ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 1 5 6। तो आपको ये समझ लग गया होगा किस तरह से हमें बेस मेथड लेके मल्टीप्लाई करना है। बहुत अच्छी ट्रिक है, बहुत जल्दी कर सकते हैं। अब एक ऐसा नंबर लेते हैं जहाँ पे कैरी आ जाए। जैसे एक नंबर लेते हैं 15 into 16, ये नंबर ले लेते हैं। तो बेस हम फिर से यहाँ पे 10 रखते हैं और ये 5 ज्यादा है और ये 6 ज्यादा है। अब यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपका 30 आ जाएगा, और जब आप इसको ऐड करोगे तो ये आपका 21 आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ, यहाँ पे 2 डिजिट आ गए 30। यहाँ पे क्या है, हमें उतने डिजिट रखने होते हैं राइट साइड में जितने 0 होते हैं। यहाँ पे अभी 1 ही 0 है, तो आपने क्या करना है, इधर 1 ही डिजिट रखना है, दूसरे डिजिट को इसको फॉरवर्ड कर देना। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 21 और 3 कितने हो जाएंगे 24। तो आपका आंसर आ जाएगा 240। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 240। अगर आप 15 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर कितने आने वाला है, आपका आंसर 240 आने वाला है। तो चलिए कुछ बड़े नंबर पे लगाते हैं जहाँ बेस कुछ ज्यादा हो। अब की बार हम जो क्वेश्चन करेंगे उसमें बेस 100 ले लेंगे, तो कुछ बड़े नंबर पे भी प्रैक्टिस इसकी हो जाएगी। चलिए नंबर ले लेते हैं 102 into 103। तो देखिए ये बेस यहाँ पे 100 रहेगा, ये 2 ज्यादा है, ये 3 ज्यादा है। मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6, यहाँ पे देखिए बेस में 2 0 है, तो आपको 2 डिजिट रखने पड़ेंगे। नहीं है तो 1 0 लगा दो, 06 क्रॉस में ऐड कर दो, 102 और 3
105। तो आपका आंसर आ गया 105 06। चलिए एक नंबर और ले लेते हैं, 112 112 एंड 105। ये बेस यहाँ पे फिर से 100 रहेगा, ये आपका 12 ज्यादा है, ये आपका 5 ज्यादा है। आपने मल्टीप्लाई किया 12 × 5 = 60, ये ऐड कर दिया 112 और 5 = 17, आपका आंसर आ गया 11760। तो इस तरह से हम बेस मेथड की हम मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप कोई और बड़ा नंबर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, आंसर आप सेकंड्स में निकाल सकते हैं। ये अगर आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से मल्टीप्लाई करेंगे आपको बहुत टाइम लगेगा, 112 को 105 से आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको बहुत टाइम लगेगा। जैसे हम अपने ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करते हैं, पहले 5 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे, फिर 0 से करेंगे, फिर इस तरह से, तो आपको बहुत इसमें एज कम्पेरेटिव टू इससे ज्यादा आपको टाइम लगेगा। चलिए एक नंबर और ले लेते हैं, 1007 1010। 1007 को 1010 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे बेस कितना हो जाएगा, यहाँ पे बेस आपका 1000 हो जाएगा, ये 7 ज्यादा हो जाएगा, ये 10 ज्यादा हो जाएगा, और जब फर्स्ट स्टेप आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आएगा। यहाँ पे 3 जीरो हैं तो आपको राइट में 3 डिजिट रखने हैं, अभी तो 2 ही हैं, तो 1 जीरो और लगा लो और इसको इसमें ऐड कर दो, तो कितना आ जाएगा 1017। तो दोस्तों ये आपका आंसर आ गया 1017070। तो आपको ये समझ आया होगा, इफ ए नंबर मोर देन बेस नंबर तो आपको किस तरह से मल्टीप्लाई करना है। चलिए अब इसका दूसरा स्टेप बाय स्टेप सारे हम कर लेते हैं, इसका दूसरा मेथड करते हैं, इफ ए नंबर लेस देन द बेस नंबर। अभी हम क्या करने वाले हैं, इफ ए नंबर लेस देन द बेस नंबर करेंगे, जितने भी नंबर आपके होंगे वो बेस उसका आपका बेस से वो छोटे होंगे। अभी यहाँ पे बेस हम ये ले रहे थे 10 100 1000 और वो नंबर उनसे ज्यादा थे, अभी हम ऐसा नंबर लेंगे जहाँ पे आपका बेस से छोटा होगा। इफ ए नंबर लेस देन बेस नंबर, चलिए एक नंबर ले लेते हैं फिर जल्दी से, पहले बेस 10 के साथ में करते हैं, 9 × 8 करते हैं, बेस यहाँ पे 10 रखते हैं, ये 10 से 1 कम है, ये 10 से 2 कम है, फर्स्ट स्टेप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 हो जाएगा, और इसको इसमें से घटा देंगे, 9 में से 2 जाएंगे तो 7 बचेंगे। तो दोस्तों ये आपका मल्टीप्लाई हो गया है, 9 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली हम जानते हैं 72 होता है। चलिए कुछ बड़े नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 97 × 99, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, बेस यहाँ पे 100 रहेगा क्योंकि ये नंबर 100 के पास है, ये 97 से 3 कम है, ये 99 से 1 कम है, और जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 3 × 3 हो जाएगा। यहाँ पे 2 जीरो है तो राइट में आपको 2 डिजिट रखने पड़ेंगे, नहीं है तो 1 जीरो लगा लो, और 97 से 1 को घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 96। तो आपका आंसर आ गया 9603। आई होप आपको समझ लग गया होगा जब बेस कम होता है। चलिए एक और नंबर ले लेते हैं, 9989, और उसको मल्टीप्लाई करना है 9995 से, इस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे बेस आप क्या ले लेंगे, यहाँ पे बेस आपका 10,000 आ जाएगा क्योंकि नंबर आपका 4 डिजिट का है। तो ये देखिए आपका 11 कम है और ये आपका 5 कम है, और जब आप फर्स्ट स्टेप 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 हो जाएगा। यहाँ तो 2 डिजिट आए, 0 है आपके पास, 4, तो आपको 4 डिजिट करने पड़ेंगे, तो 2 जीरो आप अपनी तरफ से लगा लो और क्रॉस में घटाते हैं, या तो इसको इससे घटा दो या इसको इससे घटा दो, तो आपके पास में आ जाएगा 9984। 9989 में से 5 घटाएंगे तो 84 आ जाएगा, तो आपका आंसर आ गया 9984005। आई होप आपको समझ लग गया होगा। चलिए एक नंबर और ले लेते हैं, 9999999, और इसको इतने ही बड़े नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप इस नंबर को ट्रेडिशनल मेथड से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है क्योंकि नंबर ये बहुत बड़ा है,
इसमें 7 बार 9 का यूज किया गया, 7 डिजिट का ये नंबर है। अगर आप इसको अपने मेथड से करेंगे तो बहुत आसान रहेगा। इसमें आप बेस कितना ले लेंगे, जितने इसके पास डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसके पास 7 डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो आप 7 डिजिट का बेस ले लेंगे। ये इससे कितना कम है, 1 1 डिजिट कम है, तो आप फर्स्ट स्टेप करेंगे 1 1 या 1, और इसके पास में अब कितने डिजिट डिजिट और लगाने पड़ेंगे आपको, 6 0, तभी ये 7 डिजिट पूरे होंगे, क्योंकि इसके पास 6 6 0 है, तो आप 6 डिजिट पूरे करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6। उसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस में इसको घटा देंगे, तो 1 डिजिट कम लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा। तो इतना बड़ा डिजिट आपके पास आने वाला है, 9999998, उसके बाद में 0000001, तो इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम करते हैं इफ ए नंबर लेस देन बेस नंबर, तो आप इस तरह से उसको कर सकते हैं। चलिए एक अगला मेथड करते हैं, जिसमें क्या होगा, नंबर आपका बेस से 1 ज्यादा होगा और 1 नंबर आपका बेस से छोटा होगा। इस बार हमने अभी तक 2 मेथड किए, इसमें बेस आपका ज्यादा था, बेस आपका कम था। अब क्या करेंगे, इसमें 1 बार बेस ज्यादा होगा और 1 बार बेस आपका कम होगा, ऐसे नंबर पे हम इस ट्रिक को लगाएंगे, इफ ए नंबर लेस देन बेस और मोर देन बेस। इफ इफ वन नंबर मोर देन लेस देन बेस और वन नंबर मोर देन बेस, अगर दोनों एक साथ हो तब क्या करेंगे, वो हम करते हैं। सबसे पहले एक नंबर ले लेते हैं 12 × 9, इसको करते हैं, तो बेस यहाँ पे 10 रहेगा, ये आपका 2 ज्यादा है, ये आपका 1 कम है। अब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस और माइनस है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, माइनस, तो आपने माइनस के लिख लिए -2। और उसके बाद या तो आप इसको क्रॉस में ऐड कर दीजिए, या फिर क्रॉस में इसको ऐड कर दो, या फिर क्रॉस में इसको घटा दो, 12 में से 1 जाएगा, 11 बचेंगे, और 9 में 2 जोड़ोगे तो भी 11 आएगा, तो 11 आ जाएगा आपका। अब क्या करेंगे, ये माइनस के हैं, तो इधर से इसको कैरी लाके फिर से घटा दो, इससे उधार लेके इसको घटा दो, तो जब इससे आप लोगे उधार तो इसके पास में बचेंगे 10, 11 थे 1 कम हो जाएगा, 10 हो जाएंगे, और इधर पूरा 10 आ जाएगा, और 10 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इस तरह से हम जब एक नंबर ज्यादा होता है और एक नंबर कम होता है तो इस तरह से उसका मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए एक नंबर और ले लेते हैं, 95 × 115, यहाँ पे बेस आपका 100 रहेगा, ये आपका 5 कम है, ये आपका 15 ज्यादा है, तो फर्स्ट स्टेप आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस का रहेगा, और आप इसमें से इसे घटा देंगे तो आपके पास में यहाँ पे 110 आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, इसको एक उधार देंगे और यहाँ से घटा देंगे, तो यहाँ पे 110 से 1 कम हो जाएगा, 109 हो जाएगा, और लेकिन जब इधर से इधर जाएगा, यहाँ पे बेस 100 है, तो 100 में से 75 घटाएंगे, 100 में से 75 घटा देंगे तो 25 बच जाएगा, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, 10925। चलिए इसके कुछ और अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं प्रैक्टिस, जिससे कि आपको ये समझ आ जाए ट्रिक। चलिए नंबर ले लेते हैं 1044988, तो यहाँ पे बेस आपका 1000 रहेगा, और ये आपका 44 ज्यादा है, और ये आपका 12 कम है, ये आपका 12 कम है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप इसको 12 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में नंबर आ जाएगा, वो भी माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस है, 44 को 12 से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, ट्रिक आपको पता है, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4,
यहाँ पे टू आ जाएगा, वन कैरी हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5 to 8, तो ये आ जाएगा 5 to 8। उसके बाद में आप क्रॉस में या तो इसमें से इसे घटा दीजिए या इसको इसमें से जोड़ दीजिए, तो घटाना आसान रहेगा तो घटा देते हैं, तो आपके पास में बचेगा 1032। उसके बाद में क्या करेंगे, ये माइनस किया है तो आप इधर से पूरा लाके इसे घटा दोगे, पूरा आएगा 1000 आएगा कैरी, तो यहाँ पे एक डिजिट कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 1031। और जब आप इसको इसमें से घटाएंगे तो आपके पास में यहाँ पे डिजिट आ जाएगा, हमारी जो ट्रिक है लास्ट डिजिट फॉर 10 रेस्ट ऑफ 9, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 3 0 है तो इधर 3 डिजिट रखने हैं, तो आपका आंसर आ गया 1031472। आई होप आपको ये ट्रिक समझ लग गई होगी कि जब एक नंबर ज्यादा हो एक नंबर कम हो तो आप किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे इस बेस मेथड मल्टीप्लिकेशन से। अब आपके दिमाग में एक चीज तो आ रही होगी कि ये डिजिट तो तब लगेगी जब बेस बराबर हो, जब बेस बराबर नहीं हो तब क्या होगा, तो वो भी देख लेते हैं, जब बेस बराबर नहीं होगा तब क्या करेंगे, ये जब बेस बराबर नहीं होगा तो कैसे लगेगी ये भी हम कर लेते हैं। चलिए, इफ बेस इज नॉट इक्वल टू, नंबर इज नॉट इक्वल टू बेस, तब क्या करेंगे, जैसे एक नंबर ले लेते हैं, हमारी ये ट्रिक क्या है, मल्टीप्लाइंग नंबर विद डिफरेंट बेस, तो नंबर ले लेते हैं जैसे 995 और इसको मल्टीप्लाई करना है 85 के साथ, तो इन दोनों का बेस बिल्कुल भी नहीं बराबर करेगा, एक नंबर 1000 के पास है एक नंबर 100 के पास है, तो आप क्या करो जो आपका दूसरा नंबर 85 इसके पीछे आप 0 लगा दो अपनी तरफ से, अभी लगा लिया जब आंसर आ जाएगा बाद में काट देंगे, तो ये नंबर क्या है 1000 के पास, अब दोनों ही 1000 के पास हो, ये नंबर आपका 5 कम है और ये नंबर आपका 150 कम है, तो आप इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 750। माइनस माइनस प्लस होता है यहाँ तो प्रॉब्लम ही नहीं है, यहाँ प्लस माइनस आता है फिर प्रॉब्लम होती है, और क्रॉस में घटा देंगे 850 में से 5 आप घटा दोगे तो आपके पास बचेगा 845। यहाँ पे बेस में 3 0 है तो इधर राइट में 3 डिजिट रखने पड़ेंगे, तो आपका हो गया 845750। अब आपने इधर एक डिजिट 0 अपने पास से लगाया तो इधर भी आप एक डिजिट काट दो, तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 84575। तो अगर आपका नहीं बराबर है तो आप इस तरह कर सकते हैं, जैसे एक नंबर ले लेते हैं 102 और इसे मल्टीप्लाई करते हैं 999 के साथ में, तो ये बराबर नहीं है तो बराबर कर लो फिर, 10 यहाँ लगा लो, बेस आपका 1000 रहेगा और ये आपका 20 ज्यादा हो जाएगा, ये आपका एक कम हो जाएगा, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 20 आएगा, प्लस माइनस माइनस क्रॉस में आप घटा दो, तो जब इसको घटाएंगे तो 1019 बचेगा, जब ये 1019 आ जाएगा फिर इधर आपको 3 डिजिट रखने हैं, यहाँ पे 2 ही है तो 10 अपने पास से लगा लो, 3 हो गए, अब क्या करो इधर इसको कैरी देके घटा दो, तो इधर एक डिजिट कम बचेगा 1018, और इधर क्या करेंगे जब इधर आप लेंगे तो पूरा 1000 आएंगे, और 1000 में से इसको घटा देंगे तो 089, तो ये आपका आ जाएगा 980, यहाँ पे आपको पूरा 1000 आपने कैरी ले लिया और 1000 में से आपने अपना जो नंबर है 020 में घटा दिया, 0 बचेगा यहाँ, 10 में से 2 जाएंगे 8 बचेगा, तो यहाँ 980 आ जाएगा। अब क्या किया था आपने, 10 अपने पास से यहाँ लगाए थे 102 में, तो आप यहाँ पे काट दो, तो आपका फाइनल आंसर आ गया 1018898। तो जब नंबर का बेस डिफरेंट होगा तब भी आप अपना आंसर बहुत जल्दी निकाल सकते हैं इस तरह से। चलिए, तो हमने ये ट्रिक की मल्टीप्लाइंग नंबर विद डिफरेंट बेस, अब हम करते हैं व्हेन द बेस इज नॉट पावर ऑफ 10। अभी तक हमने जितने बेस लिए हैं वो सब 10 की फॉर्म में थे, 10 था किसी का 100 था, किसी का 1000 था, इस तरह से बेस लिए थे हमने, लेकिन अब हम करने वाले हैं कि अगर नंबर 10 की फॉर्म में नहीं हो तब क्या करेंगे,
तब भी आप इस ट्रिक से किसी भी नंबर का बेस मेथड से मल्टीप्लाई बहुत ही जल्दी निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको जल्दी से सीख लेते हैं। जैसे ट्रिक इस मेथड का क्या नाम हुआ, व्हेन द बेस इज नॉट पावर ऑफ 10। जैसे एक नंबर ले लेते 48 इंटू 48, तो यहाँ पे बेस तो बराबर ही नहीं, 100 से तो बहुत दूर है, 100 बेस होता है, लेकिन ये तो 50 के पास है, तो ये कितना हुआ इसका, आधा हुआ। 50 से ये कितना कम है, ये 2 कम है, ये 2 कम है। स्टेप 1 सेम रहता है, 2 2 जा 4। स्टेप 2 यहाँ पे 48 में से 2 घटा दो, 46 बचेगा। अभी यहाँ पे बेस में, बेस आपका यहाँ पे 100 ही मान के चलते हैं, तो यहाँ पे 2 डिजिट रखने पड़ेंगे। अब यहाँ पे है तो 50, तो आप क्या करो, इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर आ गया 2304। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। जैसे एक नंबर ले लेते हैं जो 50 के आसपास ना भी हो, जैसे कि 27 28। तो यहाँ पे देखिए बेस जो है आपका 20 है, क्या आप 30 ले लो, 30 के पास पड़ता है, तो 30 से 3 कम है, 30 से 2 कम है। फर्स्ट स्टेप तो आपका सेम रहेगा, 3 2 6। यहाँ पे बेस में एक ही जीरो है, तो राइट में एक ही डिजिट रखना है, क्रॉस में आप माइनस करोगे तो 25 आ जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे बेस में 3 है, तो आप इसको 25 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका आंसर फाइनली बनेगा 756। तो जब आपका नंबर बेस से दूर हो, पावर ऑफ 10 से दूर हो, तो आप इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे अभी हमने 27 और 28 को किया था, इसकी और प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो थोड़ा सा आपको और समझ अच्छे से लग जाएगा कि ये किस तरह से करना है। जैसे एक नंबर ले लेते हैं 31 इंटू 31, ये बेस यहाँ पे 30 रहेगा, ये आपका एक ज्यादा है, ये भी आपका एक ज्यादा है, इसको करेंगे 1 1 1 1, तो यहाँ पे एक जीरो है, तो एक डिजिट लगाएंगे, इसे क्रॉस में ऐड कर लेंगे तो 32 हो जाएगा। अब यहाँ पे बेस 3 है, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 96 और एक डिजिट वो लिख दो, तो आपका आंसर आ गया 961। तो इस मेथड को आप, बेस मेथड को किसी भी नंबर का स्क्वायर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, और जब आपका बेस डिफरेंट हो तब भी आप मल्टीप्लाई से कर सकते हैं। चलिए एक नंबर और ले लेते हैं, 395 इंटू 396। तो यहाँ पे देखो बेस आपका 400 के पास है, पावर ऑफ 10 नहीं है, ये आपका 5 कम है, ये आपका 4 कम है, 5 4 जा करेंगे तो 20 हो जाएगा, क्रॉस में घटा देंगे तो यहाँ 391 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे बेस में आपका 4 है, तो यहाँ पे 4 से इस डिजिट को मल्टीप्लाई कर देंगे जो आपका लेफ्ट में आया है, तो आपका आंसर आ जाएगा 156420। तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसका और एक ले लेते हैं एग्जाम्पल, जिससे आपको और अच्छे से क्लियरिटी हो जाए कि इसको किस तरह से मल्टीप्लाई करना है। नंबर ले लेते हैं 228 246। तो यहाँ पे बेस आप जो है अपना ले सकते हैं 250 250, जो क्या है 1000 का 1/4 है, तो यहाँ पे 250 से ये आपका जो नंबर है वो 22 कम है, ये आपका 4 कम है, आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 88 आ जाएगा, क्रॉस में इसे घटा देंगे तो यहाँ पे आपका 224 आ जाएगा, 2240। यहाँ पे आपके 1000 है, 3 0 है, तो आपको राइट में 3 डिजिट रखने पड़ेंगे। अब क्या करना है, जो आपका लेफ्ट में डिजिट आया है यहाँ पे इसको 4 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि आपने बेस 1000 लिया और ये उसका 1/4 आपने उससे घटाया है, तो आप इसको कर देंगे तो आपका आ जाएगा 56088 आंसर। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर का, जब बेस डिफरेंट हो तब भी हम उस नंबर को मल्टीप्लाई तेजी से कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, जिसे हम किसी भी नंबर के स्क्वायर में भी यूज कर सकते हैं। जैसे स्क्वायर में इसको किस तरह से यूज करेंगे वो भी देख लेते हैं। जैसे एक नंबर ले लेते हैं हम 97, तो ये आपका बेस यहाँ पर 100 रहेगा, तो 3 कम हो जाएगा, तो
थ्री थ्री या नाइन, दो जीरो रखेंगे तो ये घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9409। जैसे एक नंबर और ले लेते हैं 998, 998 ये आपका जो है 1000 के पास है, ये दो कम है, ये भी आपका दो कम है, 2 2 4, बेस आपका 1000 है तो आपको इधर तीन डिजिट रखने पड़ेंगे, तीन डिजिट आपने कर दिए, दो दो जीरो अपने पास से लगा दिए और फिर आपने इसको घटा दिया तो आपका आंसर आ जाएगा 996004। तो आई होप आपको ये बेस मेथड मल्टीप्लीकेशन के सारे ट्रिक समझ लग गए होंगे। जब आपका नंबर ज्यादा है बेस से तब कैसे करना है, कम है तब कैसे करना है, एक नंबर ज्यादा है एक नंबर कम है तब कैसे करना है, और जब आपका नंबर आपका बेस डिफरेंट है, पावर ऑफ 10 नहीं है तब कैसे करना है, और किसी भी नंबर का स्क्वायर बहुत ही जल्दी इस मेथड से किस तरह निकाल सकते हैं, तो वो भी आपको समझ लग गया होगा। आई होप इसकी आपको सारी ट्रिक समझ लग गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो तक आप करिए इंतजार। नमस्कार।